So here is an interesting thing that I want to share. So this plant, okay, this plant is just like our human mind. ये जो plant आप देख रहे हो, it's just like a human mind. और ले लो कि ह्यूमन की ब्रेन ये कैसे काम करती है. सो जस्ट अ 2 मिनट वीडियो. एंड दिस पर्सन इज यू, लेट्स से. एंड यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर वेरी टेंस्ड एंड यू आर वेरी इरिटेट फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी जॉब, यू आर नॉट एबल टू फोकस, यू आर नॉट एबल टू कंसनट्रेट. और आपकी गोल्स क्या है पता नहीं है, घर वालों से बनती नहीं है, मतलब एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मान के चलो ये सारी आपके लाइफ में है. आप अनएम्प्लॉयड हो, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, कुछ भी सही नहीं चल रही है. सो दिस आर द प्रॉब्लम्स नाउ यू आर फेसिंग. सो ये कॉन्स्टेंटली हम अपने दिमाग को बता रहे हो रहे हैं कि अरे यार तेरे पास तो जॉब नहीं है, तेरे पास यू आर नॉट लुकिंग गुड. मतलब हम कॉन्स्टेंटली खुद को यही सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, कॉन्स्टेंटली हम यही दिन भर अपने दिमाग को बता रहे होते हैं कि दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं. और रात को जब पढ़ाई की चीज़ आती है तो सोचते हैं अरे बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मैंने टाइम वेस्ट कर लिया. फिर नेक्स्ट डे सेम सेम साइकिल गोज़ ऑन. सो हाउ यू कैन शिफ्ट दैट नेगेटिव माइंड सेट टू पॉजिटिव, हाउ हाउ यू कैन डू दिस. सो इट्स अ लाइक ये कोई मतलब एकदम सी आउट ऑफ बॉक्स वाली बात नहीं है. इट्स अ सिंपल थिंग बट वी जस्ट हैव टू सी इट लॉजिकली, ओके, हाउ हाउ इट वर्क्स. सो ये कॉन्स्टेंटली ना हम नेगेटिव चीज़ अपने दिमाग को बता रहे होते हैं. सो हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर ना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बनती जाती है उसी चीज़ से कि अरे मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरा तो नहीं हो सकता, मैं क्या करूँगी, मेरा तो नहीं हो सकता. सो एवरीथिंग इट्स नो, नहीं 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 नहीं. सो आउटकम इज़ ऑल्सो लाइक नो नो नो. ओके सो लेट्स से दिस इज़ द प्लांट. इफ यू विल कॉन्स्टेंटली से टू दैट प्लांट दैट यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट ग्रो, यू आर नॉट वर्किंग वेल, तेरे पास तो ये नहीं है, तेरे पास तो वो नहीं है, यू आर गिविंग जस्ट एक्सक्यूजेस. ओके मतलब आप मान के चलो कि आपके दिमाग जो है वो एक प्लांट की तरह है एंड आप जो उसको बोलते हो दैट इज़ योर कंपोस्टिंग. मतलब जो भी होता है ना हम देते हैं एक मतलब एक प्लांट्स को हम देते हैं क्या, सारा जो कंपोस्टिंग की चीज़ हो गई या फिर जो पेस्टिसाइड्स हो गए, जो वाटर हो गई, जो भी सीड्स हो गई, तो हम क्या कर रहे हैं प्लांट कर रहे हैं अपने दिमाग में कि अरे देख तू नहीं 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 तेरे में कुछ नहीं है, तेरे में कुछ नहीं है, तेरा तो नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं. सो वो प्लांट ना वो मर जाएगा. अगर वो प्लांट ऐसे थोड़ा कोशिश भी कर रहा होगा ना वो मर जाएगा, ऐसा मतलब मुरझा जाएगा एकदम पूरा, ठीक है. लेकिन ये सेम ही होता है दिमाग के साथ. सो दिमाग ना माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या क्या बोल रहे हो, उसको फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो बोलोगे दैट इट विल एक्सेप्ट. उसको इट कैन नॉट डिफरेंशिएट अबाउट द बैड थिंग्स एंड अबाउट द गुड थिंग्स. So if you will constantly say the bad things about yourself, about others, about the world, about this dunya, then your mind will automatically, you know, मतलब वो आपको 100 बहाना दे देगा या फिर वो आपको ना वही नेगेटिव चीज़ों पे ही उसका आउटकम देगा. बट इफ़ यू विल कॉन्स्टेंटली ट्राई टू से टू योर सेल्फ दैट पॉजिटिव लाइक कि ओके ठीक है मुझे नहीं पता है मैं फेल हो गई, अभी मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, ठीक है मुझे नहीं पता है व्हाट्स द वे टू फिगर इट आउट बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर द आंसर्स, आई एम लुकिंग फॉर इट, आई एम फिगरिंग आउट थिंग्स, आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम सीकिंग हेल्प. सो लाइक दिस आई एम लुकिंग फॉर हेल्प, आई एम सीकिंग हेल्प. ओके सो ये मतलब ना 2 मिनट की चीज़ होती है, 2 मिनट का खेल की जैसा होता है. तो दिमाग को आप जैसा इनपुट दोगे ना वो दिमाग आपको वैसा ही आउटपुट देगा, ठीक है. अगर आप पॉजिटिव चीज़ें दिमाग को दे रहे हो तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा, अभी नहीं देगा लेकिन वो देगा बिकॉज इट्स अ हैबिट एंड हैबिट बनने में टाइम लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी जो नेगेटिव साइकिल है ना ये ऑलरेडी हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है.
क्योंकि नेगेटिव चीज़ फॉर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ फॉर्म होने में टाइम भी लगता है, पेशेंस भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। सो विद द टाइम ये जो ना नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट होता है हमारा दिमाग, ये जो है ना चीज़, ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव को शिफ्ट होता है, और वो शिफ्टिंग के लिए दिमाग को टाइम चाहिए होता है। ये जो नेगेटिव हमारा दिमाग हमेशा काम करता है, तो इसको शिफ्ट करने के लिए, मतलब एक इंसान अगर कॉन्स्टेंटली स्मोक कर रहा है, ठीक है, तो इसको, ये जो स्मोक, इसको बंद करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट हो जाएगा, सो इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली टेल योर सेल्फ कि नहीं ठीक है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूँगी, ठीक है। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली, यू हैव टू से टू योर सेल्फ दैट ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। सो यू हैव टू, यू नो, आपको ना यू हैव टू कॉन्स्टेंटली से टू योर सेल्फ, नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डू दिस, आई विल फिगर इट आउट। मतलब जितना पॉजिटिवली बात करोगे ना खुद से, लाइक पॉजिटिवली, ओके, आई एम फिगरिंग आउट, आई एम सीकिंग हेल्प, आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स, आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम वर्किंग ऑन दिस, जितना प्रेजेंटली खुद को बोलोगे ना, तो आपका दिमाग जो है ना, वो जो पास्ट या जो फ्यूचर में चलता रहता है ना हमेशा, वो आ जाएगा तुरंत इसमें, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ माय प्रायोरिटी, व्हाट आई कैन डू दिस नाउ। सो हमारा जो दिमाग है ना, वो करेंटली पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के वो आ जाएगा प्रेजेंट में, ठीक है। सो आई बिलीव दैट कि अगर प्रेजेंट में आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू टेक एक्शंस। जो लोग बोलते हैं ना कि एक्शंस नहीं ले पाते हैं, एक्शंस का नहीं पता होता है, सो यही चीज़ होती है। तो एक्शंस के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, और वो काम करने के लिए आपको प्रेजेंट और पास्ट से निकलना ही पड़ेगा। प्रेजेंट पास्ट में दुनिया नहीं है, प्रेजेंट में, सॉरी, पास्ट और फ्यूचर में दुनिया नहीं है, दुनिया है प्रेजेंट में। तो इस प्रेजेंट को जीने के लिए आपको खुद को कॉन्स्टेंटली ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम लुकिंग फॉर हेल्प, आई एम फिगरिंग, आई एम ट्राइंग, आई एम इन माई कंट्रोल। सो कॉन्स्टेंटली आपको दिन में ये हज़ार बार बोलना पड़ेगा, वरना आपके दिमाग तो इधर उधर होती ही रहेगी। सो पास्ट और फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट में जियो। सो ये जो मैं बात कर रही थी ना पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान ना तभी हो जाता है जब वो ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर में जीता है। मतलब कि या तो हम ऐसे सोचते रहते हैं, अरे मैंने गलत कर दिया, अरे मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और हम ऐसे सोचते रहते हैं हमारा दिमाग कि अरे आगे क्या होगा, अरे आगे ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हमेशा हम इस दोनों की कन्फ्लिक्ट में जीते रहते हैं, जो कि एग्जिस्ट करती ही नहीं। सो एग्जिस्ट क्या करती है? वर्तमान एग्जिस्ट क्या करती है? अभी क्या एग्जिस्ट करती है? दैट इज़ आर प्रेजेंट। सो प्रेजेंट में जीने के लिए हमको पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा प्रेजेंट में, ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर अगर अच्छा करेंगे ना, तो उसका बेसिस, उसका जो फाउंडेशन होगा वो आज होगा। तो आज आपने क्या स्टेप लिया, आज आपने क्या किया, आज आपने पॉजिटिव सोचा कि नहीं, आज आपने भगवान जी से प्रे किया कि नहीं, आज आपने क्या किया, आज आपने किसी से कितना गलत हुए में बात किया। सो इसको अकाउंटेबल करना, इसको काउंट करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इसी छोटी छोटी बातों को लेकर ना हमारी ज़िंदगी होती है। सो अगर आपको ये छोटी चीज़ों की ध्यान आप नहीं रख पाते हो, देन बड़ी चीज़ों पे शायद उतना फोकस नहीं रह पाती है। सो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर द थिंग दैट हाउ आर माइंड वर्क्स, एंड इस दिमाग को हमें अगर पॉजिटिव रखना है तो हमको कैसे क्या करना पड़ेगा। ओके, सो या थैंक यू।